फ्रेंड्स नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी रेसिपी है सोया चंक्स फ्राई, जो बहुत ही टेस्टी और क्विकली बन जाने वाली रेसिपी है। तो हम वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोया चंक्स बनाने के लिए हमें चाहिए सोयाबीन है, जिसे हमने पानी में फुला कर ले लिया है, और ये नमक है, और ये लहसुन अदरक है, ये गरम मसाला है, ये मिर्ची और ये कॉर्नफ्लोर है। और अब हम ये सोयाबीन को मिक्सी में पीसेंगे, जिसके साथ में ये लहसुन अदरक और मिर्ची भी पीस लेंगे। ये हमने सोयाबीन को पीस लिया है और अब हम इसमें सॉल्ट मिक्स करेंगे। और कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे, बस थोड़ा ही मिक्स करेंगे। और ये गरम मसाला, और अब इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से मिला के, ये बाइंडिंग होने लगे। इसे हल्का कलर देने के लिए इसमें हल्दी या फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें से छोटे छोटे सोया चंक्स बना लेंगे, ऐसे लड्डू टाइप के गोल गोल, सारे के ऐसे ही बना के रख लेंगे एक साइड। ये हमने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं और ये हमने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। और ये हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, जिसमें ये बॉल्स को कोट कर लेंगे और उसके बाद इसे फ्राई करने के लिए डालेंगे। तो सारे बॉल्स को इसमें कोट करके रख लेंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे तेल गरम होने के बाद। ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है, फ्लेम हम थोड़ा मीडियम ही रखेंगे। और अब हम इसे ऑयल में डालते हैं। सारे बॉल्स को ऐसे कोट करके ही डालेंगे। ये फ्राई हो रहा है और इसे हल्के हल्के से हिला देंगे ताकि ये पूरी तरह से हो, अच्छे से फ्राई हो। और इसे पूरी तरह सेकना है, इसे चलाते रहना है चला चला के, ताकि ये सारी तरह से सिक जाए। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही जल्द और बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। ये सोया चंक्स फ्राई बहुत ही क्रिस्पी एंड सॉफ्ट है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें।